हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार एंड टुडे माय लेक्चर ऑन टॉपिक उपयंत्र। दी उपयंत्र इज आल्सो नोन एज अनुयंत्र। दीज आर सबॉर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीडर्स आर इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एट मेनी प्लेसेस। बिफोर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट उपयंत्र, यू मस्ट नो व्हाट इज यंत्रा, दैट इज द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। यंत्रा इज बेसिकली ब्लड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सुश्रुत मेंशन द 101 यंत्रा एंड ब्लंट यंत्रा आर डिस्क्राइब्ड वेल इन चैप्टर 7 ऑफ सुश्रुत संहिता एंड दीज यंत्रा आर ऑफ 6 टाइप्स। एमोंग देम वन इज उपयंत्रा। द 6 वैरायटीज आर स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, सलाका यंत्र एंड द 6th वैरायटी इज द उपयंत्र। दो उपयंत्र आर बेसिकली एक्चुअली एसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स आर सबॉर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन सर्जिकल प्रोसीडर्स फॉर लोकल सर्जिकल पार्ट प्रिपरेशंस इन फॉर्म ऑफ फोर्सेप्स, टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स, चीटल फोर्सेप्स, वेरियस रिट्रैक्टर्स, सूचरिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर ओटी इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर कैटेगराइज इन हेड्स ऑफ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट्स आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स? सुश्रुत मेंशन द यंत्र कर्मा इज 24 एंड सेड दैट दे परफॉर्म निर्घातन, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग विशोधन, आहरण, आंछन, उन्मन, विनिमन, भंजन। उन्नमन, विनमन, भंजन, उन्मंथन, आचूषण, ऐषण, धारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रधमन, परमार्जन। दीज आर द 24 कर्म मेंशन इन सुश्रुत संहिता। दीज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हेल्प इन लोकल पार्ट प्रिपरेशन, इंस्ट्रूमेंट्स होल्डिंग, डिब्राइडमेंट, टिश्यू होल्डिंग एंड डिसेक्शन प्रोसीडर, सूचरिंग प्रोसीडर, हीमोस्टेटिक प्रोसीडर एंड असिस्टिंग इन सर्जरी। Also in form of storage of surgical materials, sterilization, visualizing surgical areas, specific surgical procedures and as per literature, the salya aharan sroto salyodhranarth rog darshanarth achushanarth kriya saukarth saukaryarth in many places. There are possibility of diversity of yantra seen and a lot of type of or variety of yantra practices in सर्जिकल प्रैक्टिसेस। सुश्रुत मेंशन दैट स्वा बुद्धिया चापि विभजित यंत्र कर्माणि बुद्धिमान असंख्येय विकल्पत्वा शल्या नामिति निश्चया। मीन्स शल्य अनेक प्रकार के अर्थात असंख्य होते हैं और बुद्धिमान वैद्य अपनी बुद्धि की आवश्यकता अनुसार और विभिन्न प्रकार के यंत्र तथा उनके कर्मों की कल्पना अर्थात डिजाइन कर सकते हैं और यही वैद्य या डॉक्टर्स क्लिनिशियन की बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। दी डिमेरिट ऑफ यंत्रा मेंशन एज दी इंस्ट्रूमेंट्स आर नाइदर अति स्थूल आसारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, आग्राही, विषम ग्राही, वक्रम, शिथिलम, अति उन्नतम, मृदु कीलम, मृदु मुखम, मृदु पासम। दीज आर द 12 डिमेरिट्स ऑफ द यंत्रा व्हिच आर नॉट बेटर टू परफॉर्म इन बाई क्लिनिशियन इफ द यंत्रा हैव दी डिमेरिट्स। द टाइप ऑफ डिमेरिट्स, द टाइप ऑफ यंत्रा मेंशन इन सुश्रुत संहिता आर एज ऑलरेडी मेंशन इज द स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, सलाका एंड उपयंत्रा। ये दी जाता डिफरेंट टाइप्स एंड मेड ऑन द शेप ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर्स डिजाइन एज पर नीड ऑफ द क्लिनिशियन एंड इन द पेशेंट्स। द यंत्रा हैव द क्वालिटी ऑफ समाहितानी यंत्राणी खर्स लक्षण मुखांचा सुदृढ़ानी सुरूपाणी सुग्रहण च कार्यत। एमोंग द टाइप्स ऑफ यंत्रा द 6th वैरायटी इज द उपयंत्रा। हियर आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन उपयंत्र। उपयंत्र को निरुक्ति में ऐसे बताया है कि उपमितानी यंत्रेर इत्युपयंत्राणी अर्थात यंत्रेर उपमितानी उपयंत्राणी, यंत्रों से सादृश्य रखने वाले उपकरण उपयंत्र हैं।
और यंत्रों के अभाव होने पर उपयंत्र उसी स्थान पर उसी कर्म, यंत्रों के कर्म अर्थात जो 24 कर्म बताए हैं उसी हेतु प्रयुक्त होते हैं। और बृहद्वाग्भट ने उपयंत्र को अनुयंत्र कहा है और सुश्रुतोक्त या उपयंत्रों की संख्या 25 है, जबकि वाग्भट ने इसे 29 बताया है। उसने सुश्रोक्त 25 प्लस 4 अन्य आंत्र, काल, पाक और भय ये अधिक माने हैं। ये उपयंत्र यंत्रों के साथ काम में आने से अनुयंत्र कहलाते हैं या उपयंत्र कहलाते हैं। इनका प्रयोग संपूर्ण देह में शरीर अवयवों पर संधि, ओष्ठ, धमनी आदि में किसी भी स्थान पर सुविधा अनुसार किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ मेनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दीज देर इज नीड ऑफ सम एसेसरी टूल्स दीज आर मेंशनड एज उपयंत्र इन आयुर्वेदा। वाग्भट 29 एंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वाग्भट इज आंत्र, काल, पाक, भय प्लस 25 ऑफ सुश्रुत संहिता। द रिलीवेंस ऑफ उपयंत्र सीन व्हेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स नॉट अवेलेबल, सम सिचुएशनल कंडीशंस लाइक इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, इन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग द प्रोसीडर, इन वेरी ट्रेडिशनल केयर प्रैक्टिसेस। The example of उपयंत्र are bandage, cotton, finger, palm, sole, hairs, char, agni, medicine, gloves, gown, mask, shoes, goggles and cloth. As per Sushrut, hand is the most important single instruments. And Sushrut mentioned the 25 उपयंत्र in chapter 7 of the Sushrut Samhita Sutra Sthan, Yantra chapter. The उपयंत्राणी आर मेंशन इन द वर्स एज रज्जू, बेड़िका, पट्ट, चर्म, अंतर्बलकल, लता, वस्त्र, अस्थिलाश्म, मुदगर, पाणितल, पादतल, अंगुली, जिह्वा, दंत, नख, मुख, बाल, अश्वकटक, शाखा, स्टीवन, प्रवाहण, हर्ष, अयस्कांत, क्षार, अग्नि एंड भेषज। दीज आर द उपयंत्र। The Upendra describes as a single by Sushruti. Bedika means the intertwined threads. Pat, bandages, charm, leather straps, antarbalkal is bark of trees, lata, creepers, vastra, linen, asthilasm, circular stone, padit, mudgar, hammer, padital, palm and padital, sole, anguli, finger, jihva, tongue, dant, teeth, नाक, नख, नेल, मुख, माउथ, बाल, हेयर्स, अश्वकटक, रिंग ऑफ ए हॉर्स ब्रिडल, शाखा, ट्विग ऑफ ए ट्री, स्टीवन, स्पिटॉन, प्रवहण, बियरिंग डाउन इफर्ट्स लाइक स्ट्रेनिंग एंड हर्स, प्लीजर्स मोमेंट लाइक इक्टेसी एंड द अयस्कांत इज द मैग्नेट्स। अदर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग इज छार, अग्नि एंड भेषज। छार आर द कास्टिक मटेरियल्स, कास्टिक थिंग्स, अग्नि फायर कॉटरी आर अग्निकर्मा, इंटरनल थेरापेटिक हीट बर्न थेरेपी, भेषज ड्रग्स। द सुश्रुत कोटेड दैट दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग उपयंत्र आर यूज इन होल बॉडी आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक बोन, ज्वाइंट, विसरा, वेसल्स एज पर नीड। एज द मेंशन इन दिस श्लोक एतानि देहे सर्वेस्मिन् देहास्यवयो तथा संधो, कोष्ठो, धमन्याम च यथा योगम प्रयोजित, यथा योगम प्रयोजित, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें संधि में, कोष्ठ में, धमनी में, शरीर के किसी एक अवयव में या सर्व शरीर के किसी भाग में भी इसे यूज कर सकते हैं। द कंक्लूसिव रिमार्क्स अबाउट उपयंत्राज दैट दीज आर एक्चुअली नॉट एन इंस्ट्रूमेंट्स बट मे एक्ट एज यंत्र और हेल्प इन प्रॉब्लम ऑफ जो इमरजेंसी सिचुएशंस। इट मे बी ए सब्सटीट्यूट व्हेन रिक्वायर्ड यंत्रा नॉट अवेलेबल। द यंत्रा आर नाउ एडवांस्ड एंड इन व्यू ऑफ दीज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ यंत्रा हैव लेस सिग्निफिकेंट बट कांट बी इग्नोर। द वेरियस आइटम्स प्रैक्टिसिंग डेली इन ओटी फॉर सर्जिकल असिस्टेंस हैव सम आर मोर रोल टू गॉट द सक्सेसफुल रिजल्ट लाइक फिंगर यूज फॉर डिसेक्शन आर डिब्राइडमेंट इन मेनी सिचुएशंस, गॉश पीस, छार एटसेट्रा फॉर स्क्रैपिंग पर्पजेस, टॉर्च लाइट एज ए सोर्स ऑफ लाइट इन पावर फेलोर कंडीशंस, कॉटन ट्विग टू काउंट रेस्पायरेशन इन पेशेंट्स आर इन रेस्पायरेशन मेजर कंडीशंस, एंड यूज ऑफ फीडिंग ट्यूब्स आर सिरिंजेस फॉर द सक्शन
purpose in specific design or in specific manners for the in the emergency situations. Timber stick for tongue depressor. The wooden made sticks are used for or plastic sticks are used for the tongue depressor in many situations. Coin pressor at the umbilical hernia site and the umbilicus site, ganglionic site, etc. The other examples are the like tourniquet or rajju, etc. used to stop the poison spread. Putty are the bandages and used in many conditions. Charmopyoga, the use of charmopyoga mentioned in the Gudbrands or rectal prolapse treatment. And antarvulcal used as a splint, kusa bandhan, in mentioned in the ancient classics. And also in many situations, the primary aids for the infrastructure conditions, the splinters are used for immobilizations. Sometimes the wooden timber or antarvulcals are used. Use of hairs for kesonduk purpose, suturing, that is in the C1 curve. Thanks for your patience listening. Hopefully, I am able to understand that you may know about the basic informations and use of Hopi Yantra in Ayurveda. Thank you. Thank you so much.